बस अभी कुछ बोलो ना, तुम बात बैठो। क्या हुआ भैया जी? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम लोग यही रुको, यही रुको, तुम कोई नहीं जाएगा। रितेश, अरे रितेश, अंदर जो हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अरे हम भरोसा करते हैं ना तुम पर, हमने कभी शक किया है? मेरा साला पगलेट है, गर्म मिजाज है उसका, आगे पीछे कुछ देखता है नहीं, लगता है खुद में। उसका गर्मी दो मिनट में निकाल देंगे। उस आइटू को बोलना जरा औकात में रहे, जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार वही रहेगा। हम बोले ना उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। अरे प्रीतेश भाई, अभी जरूरत है हम दोनों को साथ मिलकर काम करने का। हम दोनों का दुश्मन एक के है ना, अगर आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन का सफाई क्या करेंगे? मकसद पूरा नहीं होगा हमारा। ना, हमको किसी की मदद का दरकार नहीं है। साला दोस्त बन के आए थे और अभी तक अपना दोस्ती निभा रहे हैं। हम लोग गली का कुत्ता नहीं है कि एक गो रोटी दिखाया तो पूंछ हिलाते हुए चले आए और जब मन किया लात मार के भगा दिए। अरे यार, ऐसी बात काहे कर रहे हो? तो कैसा बात करें, ये सब हम अपने घर में नहीं सहे, तुम्हारा दरवाजे पे आके बेइज्जत होके जाएंगे। दीदिया तो भरोसा करती है ना, आप सुने हैं ना अंदर? वो करती है तो करती रहे, लेकिन हमको तुम लोगों पे भरोसा नहीं। इस साला बिंदवा सबके दिमाग में हमरा खिलाफ जहर बो रहा है, अब उसका हर जाना तो भरना पड़ेगा ना। ठीक है पतन भाई, आज से तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा अलग। जय राम जी। पतन भाई ना, ना, तुम चुप रहो, तुम बीच में ना बोलो। बस भाई, देश भाई एक बार डिसीजन लेने पहले सोच तो लो। अरे सुन, देखे ना उस्ताद, रितेश्वा साला घर में कैसे बाघ जैसा दहाड़ रहा था। दुलारी जी तक का हिम्मत नहीं पड़ा कि उसको बीच में आए कुछ बोले। बुझ गए ना कितना दमदार है वो। घंटा दमदार है, बड़बोल्ला है साला, बहुत बकबक कर लिया। और तुम देखना उसका यह बकबक आना उसके अंत का कारण बनेगा। खाली तुम चुपचाप देखते जाओ आगे आगे होता है का। अरे उस्ताद जी, वो तो गनीमत था कि दुलारी देवी बीच में आ गई, नहीं तो आज तो रितेश्वा खत्म है था समझो। हमारा था एकदम जियरा धक धक कर रहा था कि वो अब गया कि तब गया। खैर तो अच्छा हुआ कि बच गया सर। अच्छा हुआ, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे इतना बूझ जाता तो तू हमारा उस्ताद नहीं बन जाता। हाँ, अरे बुर्बक, हम तो चाहते हैं कि वो साला अपने ही खानदान के गोली का शिकार होकर मर जाए। ऐसा हो जाएगा तबे नु मजा आएगा। सोला ने सच बोले उस्ताद, तभी दोनों भाई को पता लगेगा जब कोई खबरिया नहीं रहेगा यहाँ पे। साला राहु केतु बना ही रहा, आई साला ये बिंदा, इस साले का एक को पैसे का कल नहीं। हाँ साला को कौनो अकील नहीं है, तभी तो दुलारी भौजी से डांट सुन रहा था। अच्छा सुनो, तुमको एक ठो काम करना है। कुम कीजिए उस्ताद। बस आज बाबा को ये खबर पता चल जाना चाहिए कि वो सलाली के सवा आज दुलारी देवी से मिल के गया है। इतना खबर पहुंचाने इसका होगा। अरे बुर्बक, तुम्हारा ये बात आग में घी का काम करेगी और उसका लपट में पूरी तसवा मकई के भुट्टा जैसा पटपटाए जाएगा। अरे उस ससुरा रितेश, उस साले का अपनी औकात समझ में आएगी। वो दिन साला चमकी बाई के कोठा में बहुत अपना औकात दिखा रहा था। अच्छा रितेश साला, ये झमेला में हमारा पूरा नशे उतर गया है, अभी फिर से मूड बनाना पड़ेगा। समझ गए उस्ताद, अभी हम बना के लाते हैं। जल्दी कर जल्दी। छतरा थान के सूत्र है यहाँ पे, घर में घुसते सबूत पटांग कर दिया, निंदा नहीं तुमको। तुमने चलते अदृत्य सो भाग गया, दुश्मन का एक को खबर ही दाऊ, सब बर्बाद करके हम नहीं जा रही है तुमको, सब तुमने चलते हुआ है। बकवास मत करो, तुम तो साला इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है कि अपने दुश्मन को गोदी में बैठा के झुंझुना बजा रहा है। हम तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं है कि हम दुश्मन को आंख मूंद करके विश्वास कर लेंगे। अरे तुमको पता है कितना फूट फाट कर रहे थे इस वक्त हम रखे हुए थे और घर में घुसते सब सत्यानाश कर दिया। साला अकेला ये साला बेड़ा है बेड़ा, तू बच्चा की थी दीदी, तुमको घर भेज दी थी,
तुम वही लायक है। अभी भी निकल गोली रखी गोली चला दिए। अरे क्या मर्दानगी है, मर्दानगी बचा है कि नहीं? मर्दानगी की बात करता है, आगे से मेरे खसरा पे कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ से निकल, ये साला गोली मारेगा ना, पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। भाग साला, ए आंख नीचे कर, आंख नीचे कर, भाग साला। अब बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। अब तू लोग से का कही हम, रितेश बउआ भेदिया बन जाइए, ये भला विश्वास करे वाला बात बा? और दूसर और बाबा हमरा से बात कहला ना, अब बाबा की बात पे हम कैसे ना विश्वास करी? वो ये घर के इतना पुराना आदमी हवन, हम तो दिमागे नेखे काम करत नहीं। मुझे नहीं लगता कि रितेश भैया दुश्मनों के लिए भेदिया का काम कर सकते। माँ उन्हें किस बात की कमी है जो ऐसे गिरी हुई हरकत करेंगे? माँ मुझे लगता है बाबा को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। भाभी वैसे एक बात और हो सकती है। क्या? हम सब जानते हैं ना कि विजयकांत और रितेश भैया एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो हो सकता है कि विजयकांत ने ये सब मनगढ़ंत चाल चली हो। ना ये बात ना हो सके। मम्मी आप बहुत भोली हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं, ये 100% ना विजयकांत का ही किया हुआ है। अगर मुझसे पूछे ना तो रितेश भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप सब उन्हें बचपन से जानते हैं, समझते हैं। विजयकांत तो है आखिर सौतेला ना, वो हम लोगों को आपस में लड़ाकर अपना मतलब साधना चाहता है। तो आप कहे के का मतलब बा? फिर मतलब, अरे कहने का मतलब ये है कि विजयकांत फिर हमारे घर में पॉलिटिक्स खेल रहा है। रितेश भैया को इस घर से दूर करके वो इस घर पर एक छत्र राज करना चाहता है, वो भी ऐसे हालत में जब श्रीकांत भैया यहाँ नहीं है। हे भगवान, न जाने के सही बा के गलत, बाकी हमरा तो बस एक ही बात की चिंता लागल बा। किस बात की चिंता माँ? चाहे कुछ हो जाए, बाकी आवे वाला समय के लक्षण शुभ नहीं खे लागत। अरे ये सब बात से तो दुखे तकलीफ आई ना, ये कोनो शुभ लक्षण भाई? देखिए रितेश भाई, हम तो आपसे यही बात कहेंगे कि अपना फैसला पे फिर से विचार कर लीजिए। अब ये नहीं कह रहे, घर जाके इत्मीनान से ठंडे दिमाग से सोचिएगा। सोचना का है, हमारा फैसला फाइनल है। एक बात तो समझ में आ गया, आदमी सांप पे विश्वास कर सकता है लेकिन साला दुश्मन पे कभी विश्वास नहीं कर सकता। आप काहे ऐसा सोच रहे हैं? दुलारी जी पुत्र भैया तो अभी भी आप पे भरोसा करते हैं। अरे उनका भरोसा करने से क्या हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा का? साला दो कौड़ी का बिंदा, साला हमरा इतना बेइज्जती किया और हम कुछ नहीं कर पाए। जानते हो काहे कुछ नहीं कर पाए? काहे कि मुकरा घर में था। अगर हमने अपने बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो हमारा नाम भी रितेश नहीं। कहाँ रितेश भाई, एक बात बताइए, वो दो कौड़ी का आदमी का भैलुए कहाँ है? वो कोनो साला वो घर का मालिक मुख्तार है का? पूरा महाराजगंज में किसी का औकात नहीं हमसे इस तरीके से बात करने का, इस साला दो कौड़ी का। देखिए रितेश भाई, आज जोश में अपना होश खो रहे हैं आप। का मतलब है तुम्हारा? एक बात बताइए, वो लोग के मदद के बिना आप विजयकांत का गद्दी हथिया सकते हैं? हमको क्या करना है और कैसे करना है ये हम अच्छी तरह समझ गए हैं, और एक बात और समझ गए हैं। अच्छा, का? दोस्त दुश्मन हो सकता है लेकिन तुम्हारा दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकता। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? बाबा और विजयकांत बता रहे थे कि रितेश भैया तुम्हारी फैमिली में जाकर मिल गए हैं
और विजयकांत को मारने की प्लानिंग चल रही है। कमाल है यार, अब तुम्हारी फैमिली भी वैसी सिचुएशन पैदा होने लगी है क्या? उदीप, उदीप मुझे बहुत डर लग रहा है उदीप। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, रितेश भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? उदीप, बाबा कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते हैं, और उन्होंने सोच समझ के ये बात फैमिली मेंबर्स के सामने रखी होगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने रिलेशनशिप को लेकर हो रही है। अगर हमारे घर वालों को पता चल गया ना, तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकाल दूं, तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है? एनीथिंग, जस्ट टेल मी द सॉल्यूशन। तुम प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें सॉल्यूशन अगर निकाल के दे दूंगा तो तुम मुझे जो चाहो मुझे मिलेगा। तुम टाइम मत वेस्ट करो, मुझे बताओ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मेरे दिमाग में वो क्या है उदी, यहाँ पे भी मजाक। अरे कम टू द पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों गई थी? फाइनेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए ना? हाँ। इसलिए तो नहीं गई थी ना कि इस महाराजगंज जैसे छोटी जगह में बैठकर दीवारों को पोस्टर बनाते रहो? तो तुम अपनी फैमिली वाले से कहो ना यार कि तुम्हारा मतलब टैलेंट और एजुकेशन का यहाँ वेस्टेज हो रहा है। अब तुम किसी भी बड़े शहर दिल्ली मुंबई अमेरिका जैसे शहर में जाके कुछ ऐसी बात करो ना तुम। करेक्ट, फिर मैं भी अपनी फैमिली वालों से ये कहूंगा ना कि मैं यहाँ कोई ये पहलवानों और मुच्छड़ों की फोटोज बनाने के लिए थोड़ी आया हूं। मुझे भी तो एक्सपोजर चाहिए। इस तरह से फिर हम दोनों यहाँ से बाहर हो जाएंगे। सोचो स्वीटहार्ट, कमाल हो जाएगा। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया उदी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ डार्लिंग, अब तुम्हारे अलावा कुछ सोचने का टाइम मिलता है मुझे? तब कुछ सोचूंगा ना। यू रोमांटिक फूल। चलो कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही गया ना। अच्छा चलो अब मैं फोन रख रही हूँ, वरना कोई आ जाएगा। अरे कमाल, तुम्हारे घर में क्या रात को भी तुम्हें चैन से सोने नहीं देते क्या? मुझे तुम समझ नहीं रहे हो, रितेश भैया की वजह से ऑलरेडी घर में बहुत टेंशन हो चुका है। अब जब वो वापस आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं फोन रख रही हूँ कि हम बाद में बात करेंगे। गुड नाइट। ओके बाय। ऐसे क्या घूर रहे हैं? अपना मन से पूछो, तुमको क्या लगता है तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो? हमको कुछ पता नहीं चल पाएगा। क्या पता चल गया? का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। ये समझाने के लिए पहले दुलारी को बुलाया जाए कि बिंदा को? आप ही बोलिए। ज्यादा सीधापन का नाटक खत्म करो। हमको तो ये भी पता है कि अभी तुम सीधे ओहे से आ रहे हो। नहीं बाबा, ये एकदम गलत है। कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, कोई आपको भड़का रहा है हमारा खिलाफ। ये दुश्मन का चाल है, वो हम लोग के बीच में फूट डालना चाहता है। ये का सही नहीं है कि विजय के बारे में सारी जानकारी तुम ही उन लोग को देते रहे। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि आज सही सलामत यहाँ पर खड़ा है, नहीं तो इसको खत्म करने की सारी तैयारी तो तुम बैठा चुके थे। सही है कि नहीं बोलो। अरे क्या बोलेंगे काका, ये तो महज कुछ पैसों के लिए अपना आत्मा का सौदा कराए दुलारी देवी से। कहिए रितेश भैया, तो हम गलत बोल रहे हैं? तुम्हारी खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि तुम हम लोग के साथ में गद्दारी किए हो। अफसोस तो ये बात का है कि तुम नौकर चाकर नहीं, घर का आपन सवांग हो। सोच नहीं सकते कि आज स्वर्ग में तुम्हारे मामा जी की आत्मा कितना कष्ट पा रही होगी।
अरे अब तो मुंह खोलिए, स्वीकार कीजिए सबके सामने, या भी है दुश्मन की खबरी, और कितना बेइज्जती किया जाए अब आपका। यहाँ जितना लोग खड़ा है ना, सबको मालूम हो चुका आपका करतूत। बोलिए नहीं तो पूछे। हम किया गद्दारी, हम गद्दार हैं। हम ही घर का खबर उन लोग दुलारी देवी को देते रहे। जानते हैं काहे? कि हमारे पास अपनी जिंदगी बनाने संवारने का और कौनो रास्ता नहीं था। कोस के भैया तुमको इतना नहीं मानते होते और तुम इस घर का अपना खून नहीं होते तो अब ही बोटी बोटी करके तुम्हारे चीन का वाको खिला देते। विश्वास घाते के लिए कोई जगह नहीं है घर में, समझे कि नहीं? अपना बोरिया बस्ता उठाइए और 5 मिनट के भीतर यहां से चलते फिरते नजर आइए। अब यहां से निकलने में भलाई है। का गद्दार कहना विजयकांत, लेकिन ये गद्दार को जिंदा छोड़ के तुम ठीक नहीं किए, एकदम ठीक नहीं। अच्छा हुआ अब मुक्ति मिल गया ये घर से, अब रितेश्वा का नया जीवन स्टार्ट। अब डर डर के जीने का कोई मतलब नहीं है। जो भी होगा साला खुल्लम खुल्ला होगा। भैया अब तुमको भी कुछ कहना है? हाँ। क्या कहना चाहते? यही ना कि हम ही घर के साथ गद्दारी की है? नहीं। तो क्या कहना चाहती हो? भैया इस घर के लोग आपको चाहे जो कुछ भी समझे, लेकिन मैं आपको गद्दार नहीं मानती। मैं समझ सकती हूँ जब अपने इस घर पर कोई गैर राज करे तो क्या बीतती है अपने आप पर। मैं इसे गद्दारी नहीं मानती, बल्कि अपने हक को पाने की लड़ाई मानती हूँ। इस घर में अगर कोई हमको समझ पाया है तो सिर्फ तुम। भैया आप कहीं भी जाएंगे ना, मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी। मातारी एकदम सही की, बहुत राइट टाइम पे घर छोड़ के चली गई। जानते हैं काहे? काहे कि घर अब घर नहीं रहा, अब सोने का लंका हो गया है, जहां सिर्फ रावण सब रहता है। और बाबा हम ही घर के साथ दोनों विश्वासघात नहीं किए, खाली अपना अपमान और बेइज्जती का बदला लिए जो ये घर वाला सब हमारा साथ किए। और आप तो बहुत तेज आदमी, एक नंबर का धूर्त। अपना ताकत बचाए रखने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलने में आपको 1 मिनट नहीं लगता, और अपने लालच के कारण हम जैसा पुराना आदमी जो इस घर में रहता था उसको छोड़ के आप इससे हाथ मिला लिए, जिसको 4 दिन नहीं हुआ है घर में आए। बकवास बंद कर देश, नहीं तो भगवान कसम ये खड़ा खड़ा गाड़ के रख देंगे तुमको। ठीक है भैया, हम आपसे डर गए।
बहुत बहादुर हो ना तुम। वीर बहादुर सिंह जी, हम चले, सबको हमरा प्रणाम। गलती की सजा आप अपने आप को क्यों दे रही है? जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही हुआ। ये सब हमारे साथ ही काहे दुले, काहे ऐसे नाफत आ गई भाई परिवार पर। पहले रेशमा दीदी, फिर रितेश बउआ। गलती चाहे किकरो हो, दोषी तो हम ही कहलाएं ना। तो हर ससुर जी जे जिम्मेदारी सौंप के गैल रहन हमरा ऊपर, ओकरा हम ठीक से पूरा न कर पेनी। और कैसे निभाई जाती है जिम्मेदारी माँ? आप बैठिए, आइए माँ बैठिए। देखिए माँ, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी कोई कमी नहीं की। कमी तो उन लोगों में थी जो हमेशा अपनी हक की तो बातें किया करते थे, लेकिन कभी अपना फर्ज नहीं पूरा किया। बेटा जिसन पाल पोस के बड़ा के लिए रितेश बुआ के बड़ा अफसोस होला दुल्हन। माँ, अब अफसोस करके क्या फायदा? जो हुआ उसे भूल जाइए। शायद इसी में भलाई है इस घर की। और क्या टाइम हुआ हो? 9 बज गए। चाय वाय का इंतजाम करो। हम ऐसे ही बहुत परेशान हैं, हमको और परेशान मत कीजिए आप। अब ऐसे भी आपको पता है ना कि किचन किधर है। क्या कहना चाह रहे हो? चाय हमको बनाना पड़ेगा। तो उसमें बुराई का है भाई? अब ऐसे भी आपको ये आड़ा साड़ा चलाने वाला आदत अब छोड़ देना चाहिए। अरे साला, रात भर में इतना मन मिजाज बदल गया तुम्हारा। कल तक साला हमारा जूता पॉलिश करते थे, आज ऐसे बात कर रहे हो तुम। अरे भूल था हमारा, उसी का तो पछतावा हो रहा है। क्या पछतावा हो रहा है? हम कहे ना, हम बहुत परेशान हैं, हमको परेशान मत कीजिए आप। सीधा साफ बात सुनना चाहते हैं आप, तो सुनिए लीजिए। अब हम आपको यहां नहीं रख सकते। आप अपने लिए कोनो आउट ठिकाना खोज लीजिए बस। काहे नहीं रख सकते? काहे? अरे इसे कि आपकी वजह से हम विजयकांत बाबा को अपना दुश्मन नहीं बना सकते भाई। डरपोक साला गद्दार का। ए रितेश बाबू, ये गद्दारी की बात आपकी जबान से शोभा नहीं देता है। साला जिस घर में पलाए पोसाए उसी घर के साथ तो अपनी गद्दारी। अब हमको गद्दार कह रहे हैं आप? साला इतना हिम्मत हो गया तुम हमसे ऐसे बात करेगा? इसी जर गया मगर बल नहीं गया अभी तक। सुनिए, अभी आपका और 2 दिन होना बाकी है। अपने घर से निकाले जाने का मतलब समझते हैं आप? अरे सनीचरा सवार हो गया आपके सर पे, सनीचरा। अब दुलारी भौजी भी आपको नहीं मानने वाली, ये भी पूछ लीजिए। सर आपका तो वह हाल है कि धोबी का कुत्ता न घर का और न घाट का। ऐसे बात कर रहा है हमारे साथ तुम? सला सला जवान पत्तल में खाया उसी में छेद किया, सुनने में पड़पड़ा रहा है। अबे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे तो क्या कर रहे हैं? आ डर 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 आ ड
बार तुम्हारा हिसाब गड़बड़ाता है, पिछले बारे में तुमको कितना समझा है, काहे नहीं ठीक से मेंटेन करते हो हिसाब, बताओ ठीक से वापस। 500 बोरी गेहूं ले यार, जोड़ कर क्या बात है, उदास लग रही हो, कुछ कहना चाहती हो, जा जोड़ के रख, आते हैं हम। बाबा मुझे नहीं पता यहाँ के लोगों के जीने का ढंग क्या है, लेकिन उस दिन जो उस घर में तमाशा हुआ उससे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। I sometimes feel very suffocated and disgusting। जीवन इसी तरह चलता है बेटी, आदमी को इससे में अपना खुशी तलाशना पड़ता है। अभी घर परिवार की खुशी में ही तुम्हारा खुशी है। बाबा ऐसे एटमॉस्फेयर में मैं खुश नहीं रह सकती हूँ, खुशी तो इस बात में है कि मैं क्या बोलो, हमको बोलो। बाबा आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि पापा ने मेरी पढ़ाई पर कितना ध्यान दिया है, मेरी पढ़ाई पूरी हो सके इसलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा ताकि मैं कुछ बन सकूं, कुछ कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस पढ़ाई का प्रॉपरली यूज हो। मतलब समझे नहीं। बाबा हम नौकरी करना चाहते हैं, इस शहर से दूर मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के सही मायने मुझे वहीं पता चलेंगे कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना जानती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ये नहीं हो सकता। बेटिया तुम जानती हो तुम्हारे बाबूजी तुमको इतना काहे पढ़ाए लिखे ताकि तुम पढ़ लिख के एक बेहतर इंसान बन सको और फिर किसी अच्छे खानदानी घराने की बहू बन सको। अब हम लोग को तुम्हारे बाबूजी की इसी इच्छा को पूरा करना है। हम भी किसी अच्छे लड़के को देखने में लगे होंगे। मेरे लिए लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है, मुझे तो बस नौकरी करना है। फिर नौकरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम बात अपना दिमाग से निकाल दो। क्यों बाबा, क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है, क्या मैं अपने सोच से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? कर सकती हूँ, परिवार के परंपरा और सम्मान की रक्षा। अपनी लाइफ को दूसरों की इच्छाओं के लिए बर्बाद करके। तुम सुने नहीं हम क्या कहें, तुमको नौकरी नहीं करना है तो नहीं करना है, बस जाओ। और सुनो, हम ये बात की इजाजत किसी को भी नहीं देंगे कि वो ये परिवार के सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ। जाओ उधर जा। भैया जी चाय पीजिए, एकदम खाकी दूध का बना है आपके लिए, लीजिए ना, आपके सर का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा साला, ये अंग्रेजी दारू बड़ा खराब होता है भाई, साला चढ़ने में जितना टाइम लेता है उतरने में भी उतना ही टाइम लेता है, बहुत तगड़ा हैंगओवर हो गया है। ये अंग्रेजी दारू से अच्छा तो अपने गांव का महुआ होता है। कहां से यहां लाए महुआ भैया जी, आप कहे तो मंगवाए दो चार गैलन दिहात से। ए, चुप चुप साला, नाम हंसाया का हमरा, हाँ का बोलेगा लोग कि रजन लाल देसी दारू पीता है, सारा इज्जत खराब हो जाएगा अपना। वैसे भी इज्जत बचने वाला नहीं है आपका, यही हाल रहा ना तो बहुत जल्दी इज्जत उतर जाएगा।
काहे कौआ जैसा उचर रहे हैं? हाँ भैया जी, कौआ तब उचरता है जब कोई घर में आने वाला होता है। आने वाला नहीं है, पहुंच चुका है। तुम सबकी विद्या वही धोती करेगा तुम सबका। कुत्ता सब टोली बना लेगा तो शेर जंगल छोड़ देगा क्या? हाँ वो गालते में मत रहिएगा, जब पिछवाड़े पर लात पड़ेगा ना तब हो जाएगा आपको। ए मेहमान बाबू, बहुत ऊंचा बोल गए हैं आप। आप भी बहुत ऊंचा उड़ रहे थे। क्या बोले थे? एमएलए बनेंगे आप, घंटा बनेंगे एमएलए। एक तो आपके कुत्ते ने काटा था जो हम इलेक्शन में खड़े हो गए, दूसरा आप पर भरोसा कर लिए। भरोसा किए है ना तो भरोसा रखिए। बोले हैं कि आपको इलेक्शन जितवाएंगे तो जितवाएंगे। दारू बाज और रंडी बाज पर भरोसा कर लिए तो जीत गए इलेक्शन। अब तो सासू माँ को दंडवत प्रणाम करेंगे, वरना आपके भरोसे तो गया इलेक्शन। भैया जी, वकील आप तक पार्टी बदल दिया। यह पॉलिटिक्स है बद्री, यह पॉलिटिक्स है। केडिया तो पक्का नेता बन गया। खैर कौनो बात नहीं, आगे चल के चिरकुट हमरे ही काम आएगा। हेलो उदी, 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 मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे उम्र कैद की सजा काट रही हो। हमारी शादी की तो बात छोड़ो, तो मुझे बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है। प्लीज रो मत मेघा, प्लीज। तुम्हें मालूम है ना, जब तुम रोती हो तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है। उदी, हमारा क्या होगा, हमारे रिश्ते का क्या होगा? उदी यार, हम तो पहले से ही जानते थे ना कि हमारा रिलेशन ये वर्कआउट नहीं हो पाएगा। मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे डैड को मार डाला, फिर तुम्हारी फैमिली ने हमारे पापा को मार डाला, और फिर कितने लोगों की जाने गई, इसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है यार। मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ मैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे घर वाले तुम्हारे घर वाले एक दूसरे के ऐसे कट्टर दुश्मन बने हुए कि उनके दिमाग में एक दूसरे को खत्म करने के सिवा कोई बात ही नहीं आती यार। ये बम और बारूद की गंध फैलाने वाले को क्या मालूम कि गुलाब की खुशबू क्या चीज होती है। तुम ठीक कह रहे हो, हमारे प्यार में फूल की जगह कांटे ही कांटे भरे। लेकिन तुम एक बात सुन लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ना सारे दुख तक सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती उदय, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो क्या करोगी तुम बताओ? क्या करोगी? देखो इतिहास गवाह है यार कि जब भी दो प्यार करने वाले आपस में मिलते हैं ना, दुनिया उनके बीच में एक दीवार पैदा कर देती है और फिर उन्हें दीवार तोड़नी पड़ती है। हमारे साथ बिल्कुल यही सिचुएशन है यार, तो हमें कुछ मिलकर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना। ये जो पुरानी परंपराओं का छोप मतलब खत्म करना पड़ेगा मेरा। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है उन्हें, लेकिन इन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल। तुम्हें क्या लगता है यार कि बिना खून खराबा हुए हमारे रिश्ते को स्वीकृति दे देंगे? बोलो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मेघा, लेकिन अगर हम ठंडे और शांत दिमाग से बैठ के सोचेंगे ना तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा यार, इसलिए हमें पहले मिलना बहुत जरूरी है। अभी अभी उदी, अभी मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ? तुम कोशिश तो करो मेघा, मुझे मुझे पक्का पता है तुम रास्ता निकाल लोगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तो ठीक है, फिर घंटे भर बाद मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा अपने नए मीटिंग पॉइंट पे। ठीक है? ठीक है उदी, बाय। भाई
आशीर्वाद दे दो माई, माई उनका आशीर्वाद दे दो। अरे छोड़ो छोड़ो गौर, हमरा तोड़ दीजिएगा कदम जी। हमरा गौर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। अरे एक मिनट हमरा के बैठने दो दो बाबा, छोड़ो छोड़ो आप छोड़ो। माई आशीर्वाद दो। नाटक छोड़िए, पॉइंट पे आइए, क्या चाहिए माँ से? अरे हम सच बोल रहे हैं, हम पे सच काहे करती हो, हमको आशीर्वाद चाहिए। माई आशीर्वाद दीजिए ना। पहले उठ कर खड़ा हो जाए, आशीर्वाद आशीर्वाद बोलकर लाख दस लाख का डिमांड कर दीजिएगा। हम जानते हैं ना आपको। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी, है? अब हम दहेज के लिए पैसा मांगेंगे? कौन मुझसे मांगेगा? अरे हमसे ब्याह हुआ तो पूरा खानदान तर गया आपका, नहीं तो दरिद्र घुसा था आपके घर। अरे कुसुम एक मिनट, देखे तो दा का चाहिए दामाद बाबू के? का चाहिए दामाद बाबू आपके? नहीं हम सच कह रहे हैं, हमको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, नहीं तो ये घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माई वो कैसे? देखो माई, विजयकांत निशा को इलेक्शन में जिताने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, अब अगर हम इलेक्शन हार जाएंगे तो बाबूजी की इज्जत का क्या बने? फिर किए ना वह बुजदिल वाला बात। अरे हमरे बाबूजी के नाम पर तो कौनो एरा गैरा भी इलेक्शन जीत लेगा, और आप यहाँ आए माई का गौर पूछने, लानत है आप पर। अरे कुसुम तुम नहीं समझती कि राजनीति है राजनीति, ये घर का चूल्हा बर्तन नहीं है, कि गैस का चूल्हा खत्म हो गया तो लकड़ी का चूल्हा जला लिए। राजनीति में हवा एक तरफ बहता है और जो उस हवा को अपने साइड में कर लेता है वही विजेता होता है। अब समझिए ना माई, तो क्या चाहते हैं आप हमसे? देखो माई, विजयकांत के फैमिली वाले जो हमारी फैमिली पर अत्याचार और जुल्म किए हैं, स्पेशली जो आप पर अत्याचार किए हैं, वो अगर आप पब्लिक में जाकर बोल देंगे तो हमारा जीत निश्चित हो जाएगा। माई बाबा का डिमांड है आपका, मतलब आप चाहते हैं कि माई गली गली जाकर आपके लिए वोट मांगे? पगला गए हैं आप, आज तक हमरे बाबूजी और माई का हाथ देने के लिए उठाए, मांगने के लिए नहीं। तो ठीक है हम हार जाते हैं, हमरा का जाएगा, लेकिन बाबूजी की इज्जत का कहां होएगा? माई हमरे जीते जी उनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगा। तो तू जाइबो वोट मांगे खाते? हम ना जाए वोट मांगे खाते, बाकी वोट देवे वाला आई यहाँ वोट देवे खाते। क्या हुआ? क्या बताऊं मैं तुम्हें उदय, बाबा ने मेरे साथ कभी ऐसे बात नहीं की। जरा सोचो, सिर्फ नौकरी करने की बात पर वो इतना नाराज हो गए। जरा सोचो उदय, जब उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे अमर भैया की बेटी उनके दुश्मन के बेटे से शादी करना चाहती है, ये पता चलेगा ना उन्हें तो मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे मार डालेंगे। उदी, उदी मुझे बहुत डर लग रहा है। उदी तुम बिल्कुल मत डरो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा भैया, भरोसा है ना मुझ पे, है ना? देखो मैंने एक प्लान बनाया। प्लान? कैसा प्लान? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे मेघा। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हम ये जगह छोड़कर भाग जाएंगे मेघा, यहाँ से दूर, इतनी दूर जहाँ हम दोनों दुश्मन परिवार वालों का साया भी हमें न छू सके। तो फिर हम लोग वापस नहीं आएंगे? शायद, शायद कभी नहीं। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है मेघा, क्योंकि हमारे परिवार वाले कभी हमें एक दूसरे का होने नहीं देंगे, और हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे। यही एक रास्ता है। वैसे तुम सोच लो, तुम क्या चाहती हो? ये कैसी अग्नि परीक्षा है? मुझे अपनी फैमिली छोड़ देनी होगी, मम्मी भाभी सब कुछ, हमेशा हमेशा के। सोच लो मेघा, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू। उदय कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो इसका मतलब तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? हाँ, तुम मुझे जहां लेकर जाओगे
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। What happened? मुझे गलत मत समझना उदय, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए नहीं किया। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? एक मिनट एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर छूट जाने का सोचकर तुम मतलब कमजोर पड़ रही हो? जो प्यार कमजोर बना दे मैं उसे प्यार नहीं मानती उदय। हमारा प्यार हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। क्या बात है। ओके देन, दिस इज डन। हम कल सुबह ही यहां से दिल्ली निकल जाएंगे। ओके, फिर वहां से कुछ टिकट वीजा का इंतजाम करके चल से चल और चलिए भाग जाएंगे। उदय, मैं क्या बोल रही थी कि कल ही हमारा जाना जरूरी है क्या? मतलब कल जाने में क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना, भाभी इलेक्शन में खड़ी हुई है, अगर मैं भाग गई तो उनके इलेक्शन के रिजल्ट्स पे असर पड़ सकता है। उदय, सिर्फ 8-10 दिन की बात है। देखो, 8-10 दिन में हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस दौरान अगर मैं भाग गई तो भाभी के केक राय पर पानी फिर जाएगा। उदय, तुम समझ रहे हो ना? प्लीज उदय, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नो प्रॉब्लम। तब तक मैं टिकट और वीजा का इंतजाम करवाता हूँ। चलेगा? उदी, पहले बुलेट अब बैलेट। इस दिनकर जी भी ना खूब लतीफा छोड़ते रहते हैं। साला, तुमको ये लतीफा बुझाता है? दिनकर जी एकदम फैक्ट लिखते हैं। इलेक्शन कोनो जूत से कम है का? अरे क्या समझते हो, ये चुनाव खाली बैलेट से लड़ा जाएगा, देखना बुलेट भी कम नहीं चलेगा। अब मरेगा आम आदमी। पता नहीं कौन कुकुर काटा था श्रीकांत की मेहरारू को कि इलेक्शन में खड़ी हो गई। अरे खड़ी हुई है ना तो जीतेगी भी। हाँ, सुने हैं बहुत बढ़िया भाषण देती है, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे तो तुम कहे नहीं इलेक्शन में खड़े हो जाते हो? सुने है कि तुम भी बहुत बढ़िया भाषण देते हो। अरे भाषण से कोई इलेक्शन जीत सकता है का? अरे एक बात तो जान लो, केडिया इस बार जरूर हारेगा, इतना जान लो। हसी हार जाएगा, फालतू एकाउ की हार जाएगा। चलो दिनकर जी से पूछ लेते हैं। चलिए। हाँ चलिए चलिए चलिए। ओ दिनकर जी, दिनकर जी, जरा आके इन लोगों को बता दीजिए कि इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा, नीता जी या केडी? जंगल राज का एक ही उसूल होता है, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। बाकी का यह हाल है, बिना बाहुबली बिना गुंडा के सपोर्ट के कोनो आज तक चुनाव जीत पाया है क्या? चलो भैया अपना दौरा तो देखो, दुकान देखो यार। चलो चलो, लेट हो गया। क्या देख रहे हो? वोटरलिस्ट मंगवाए थे, काशीचक, भिंदवाड़ा, कोसी टोला, नीम तल्ला, सब जगह अपना सपोर्ट रख सकते, बाकी जगह मेहनत करना पड़ेगा। ये रेजगारी गिनना बंद करो, अब मोटा नोट की तरफ ध्यान दो। बेटा सेंध वही घर में लगाना चाहिए जहां से मोटा रकम मिलने का चांस हो। ये दुवन्नी चौवन्नी बटोरते बटोरते तो उम्र बीत जाएगा। अब मोटा रकम आएगा कौन घर से? घर से नहीं, बाजार से। अगर बाजार को अपने कब्जे में ले लिया तो समझो 40-50% वोट तुम्हारे हिस्से में, और बाजार को अपने कब्जे में करने के लिए व्यापारी संघ को अपने कब्जे में करना होगा। काका, आप सचमुच में राजनीति के चाणक्य हैं। अब देखिए व्यापारी संघ को कैसे अपना कब्जा में लेते हैं। हमारे साहेब के साथ व्यापारी संघ का बहुत पुराना रिश्ता चलता आया है। जब वो जिंदा थे तो बहुत सही से रिश्ता निभाया, अब वो नहीं रहे हैं तो ये जिम्मेदारी हमरा है। दब्बन भाई मेरे हैं, ये बात का मलाल है हमको, बाकी आप हैं तो ये व्यापारी संघ का सारा सपोर्ट आप ही के साथ है। हमको आपसे यही उम्मीद था,
बस आप हमारा साथ दीजिए और बदले में आपकी सुरक्षा का इंतजाम हमारा है। दुलारी देवी जी, विजयकांत का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में विजयकांत से सुरक्षा का गारंटी का क्या भरोसा है? जब तक हम जिंदा है वो विजयकांत बाजार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, ये हमारा गारंटी है। तो ठीक है, हमारा सारा का सारा सपोर्ट आपके साथ है, व्यापारी संघ का सारा वोट केडी बाबू को ही जाएगा। तो ठीक है, केडी बाबू को पूरा का पूरा सपोर्ट हम लोगों का है, अब आज्ञा दीजिए। मेघा हम एक काम करते हैं, आज हम छोटे छोटे गांव में जाके औरतों से मिलते हैं और बाहर जा रही हो? हाँ बाबा, वो बाबा जब आप देख ही रहे हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? या नहीं रहे तो कहीं घर का परंपरा बदल गया? ये घर की बहू बेटी बिना इजाजत घर के बाहर नहीं जा सकती। बाबा आप चुप। मेघा, बाबा दरअसल इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और अगर अब हम वोटर्स के बीच में नहीं गए तो शायद इलेक्शन हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आखिर क्या समझते हैं अपने आप को? हम क्या उनके हुक्म के गुलाम हैं? वो कहे दिन तो दिन, रात तो रात, वो कौन होते हमारे लिए डिसाइड करने वाले? अरे अरे, कहाँ हो गए इतना गुस्सा का है बड़ू? कोई कुछ कह दे ले सका? माँ, हम इलेक्शन के कैंपेन के लिए बाहर जा रहे थे और बाबा ने हमें बाहर जाने से रोक दिया। तो उम्मीद इतना गुस्सा होके को कौन जरूरत बा? वो रुक ले हुई है तो कुछ सोचे के रुक ले हुई है ना। वाह मम्मी वाह, क्या अंधविश्वास है, बाबा नहीं हो गए भगवान हो गए, उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर हो गई। मेघा, बाबूजी के भी बाबा पे आंख बंद करके विश्वास रहे और उनका विश्वास गलत ना हो सके। माँ, अगर इलेक्शन जीतना है तो कैंपेन तो करना ही पड़ेगा, अब घर बैठे तो जीता नहीं जा सकता ना। अगर बाबा तोहरा के बाहर जाए सरुगलन है तो इलेक्शनों जीते के उपाय वही सोचिए, उनका पे विश्वास रखा, तुम्हें जरूर कोई ना कोई उपाय निकल।